हेलो एवरीवन, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं डीके टेक्नो 52। आज मैं आपको बताऊंगा कि इंस्टाग्राम क्रिएटर कोर्स में कैसे आप कंप्लीट करेंगे, आपको करना क्या है। दोस्तों, इंस्टाग्राम क्रिएटर कोर्स कंप्लीट करने के लिए सर्वप्रथम आपको गूगल खोल लेना है, यहाँ बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम टाइप कर देना है। बॉर्न ऑन इंस्टाग्राम टाइप करके सर्च कर लेना है, इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। फर्स्ट साइट पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस तरह का इंटरफेस खुल रहा है, आपको पेशेंस रखना है। इसलिए यहाँ एग्जाम दिया जाता है कि आप इंस्टाग्राम में कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ जैसे रजिस्टर नाउ पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखिए थोड़ा सर्वर प्रॉब्लम है, आपको रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना है। और यह मतलब कि इसलिए अप्लाई किया जाता है कि आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाता है, उससे आप ऑनलाइन अर्निंग भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आपको बहुत सारा गिफ्ट हैम्पर प्रोवाइड कराएगा। अब देखिए, रजिस्टर करने के लिए न्यू यूजर रजिस्टर का ऑप्शन आ गया है। दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ में आपको अपना यूजर नेम डालना होगा, फर्स्ट नेम, फुल नेम, इसके बाद मिडिल नेम डालना होगा, अपना पासवर्ड एक नया बना लेना है, स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। दोस्तों, इससे पहले आपको क्या करना है, वैलिडेट इंस्टाग्राम हैंडल पर आपको क्लिक करना है। वैलिडेट इंस्टाग्राम हैंडल पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम का आपको पासवर्ड यूजर आईडी डाल के यहाँ अलाउ कर देना है। फिर से यहाँ आपको क्या होगा कि आपका यूजर आईडी आ गया है, अब आपको क्रिएट पासवर्ड डालना है, फर्स्ट नेम डालना है, फिर इसके बाद अपना भाषा का चयन कर लेना है, जेनरिक आपको कर लेना है, इसके बाद यहाँ चेक कर देना है, चेक करके आपको रजिस्टर कर देना है। तो चलिए हम फटाफट यहाँ सारा अपना मतलब कि सिक्योरिटी इसमें फिलअप कर लेते हैं। दोस्तों, तो इसमें क्या करना है, क्रिएट पासवर्ड, पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जिसमें नंबर सिंबल सब कुछ होना चाहिए। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रहेगा तो यहाँ हरा हो जाएगा, नहीं तो लाल ही रहेगा। अब आपको अपना फर्स्ट नेम डालना है और इसके बाद चलिए मैं सब कुछ डाल लेता हूँ। यहाँ डालने के बाद यहाँ आपको क्लिक कर देना है, क्लिक करके चेक कर देना है, देन आपको रजिस्टर पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, मैं रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, आगे का क्या प्रोसेस होता है। एक चीज़ आप करिएगा दोस्तों कि वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप वीडियो को स्किप करेंगे तो प्रोसेस आप जान नहीं पाएंगे। यहाँ देखिए रजिस्टर हो गया है, थैंक यू फॉर रजिस्टर, क्लिक बिलो टू स्टार्ट द क्रिएटर पोस्ट, देन आपको स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ देखिए कि आप देख सकते हैं कि हमें मेल भी आ गया है, थैंक यू का मैसेज आ गया है। दोस्तों, अब आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर से इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। अब आपने जो पासवर्ड बनाया है उसी पासवर्ड से आपको यहाँ लॉगिन करना है। सर्वप्रथम उसी पासवर्ड से आपको क्या करना है, लॉगिन कर लेना है। दोस्तों, तो चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। यहाँ देखिए ऊपर में लॉगिन है, लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करके आपको यूजर आईडी और पासवर्ड आपको डाल के देन लॉगिन हो जाना है। चलिए मैं लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, ठीक है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, आपको क्या करना है, लॉगिन पर क्लिक कर लेना है। देखिए आपको मतलब कि यहाँ यूजर नेम आपको डालना है, अब आपको पासवर्ड डालना है, देन लॉगिन पर आपको क्लिक कर लेना है। थोड़ा सा मैं वीडियो को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ सिक्योरिटी अपना फिलअप करूँगा दोस्तों, तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ऑलरेडी मैंने लॉगिन कर लिया है। अब आपको मतलब कि टाइम जोन अपडेट करने के लिए बोल रहा है, अपडेट टाइम जोन पर आपको क्लिक करना है, ठीक है दोस्तों। अपडेट टाइम जोन पर जैसे आप क्लिक करेंगे, इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा, आपका टाइम सक्सेसफुली अपडेटेड हो गया है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, जहां रजिस्टर नाउ पे मतलब कि रजिस्टर नाउ आ रहा था, अब आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। 2 घंटे का यह एग्जाम चलेगा दोस्तों, तो 2 घंटे का तो मैं लंबा वीडियो बनाऊंगा तो कोई देखेगा ही नहीं, इसलिए मैं वीडियो को स्किप स्किप करके बता रहा हूँ आपको। मतलब 40 से 45 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इंस्टाग्राम यह जानना चाहता है कि आप वीडियो क्रिएटर का सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किए हैं, तो आपको कुछ नॉलेज है कि नहीं है। अब आपको क्या करना है, यहाँ देन आपको भाषा का चयन कर लेना है, जो भाषा में आप क्वेश्चन आंसर टूर्नामेंट में भाग ले सके। चलिए मैं हिंदी पर क्लिक कर देता हूँ, हिंदी पर मैं क्लिक कर दिया हूँ दोस्तों। जैसे आप हिंदी पर क्लिक करेंगे, आपको गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आ जाएगा, आपको यहाँ से गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ देखिए अब दोस्तों, हमारे स्टूडियो के बगल में चिड़िया पूरा चहचहा रही है, अब क्या करें हम दोस्तों। अब आपको क्या करना है, गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे, यहाँ से बहुत सारा इंटरफेस खुलेगा। चलिए हम गेट स्टार्टेड पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं, यहीं से आपका क्वेश्चन आंसर चालू हो जाएगा दोस्तों। गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर दिए हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे आप दोस्तों,
देखिए मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ यहाँ से, आपको लॉन्च पे क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे आपको क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा। यदि आप घबराए नहीं दोस्तों, आप क्वेश्चन का गलती आंसर एक आध दे देते हैं तो फिर से रीटेक करके उसका सही आंसर आपको सजेस्ट किया जाएगा, आप उसको दे देंगे। सर्वप्रथम आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम की तरफ से आपको एक वीडियो दिखाया जाएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के पहले आपको वीडियो दिखाया जाएगा, वीडियो में सारा क्वेश्चन का आंसर रहेगा और आप जानकारी कर लेंगे। यदि आप अनुभवी हैं तो वीडियो को स्किप कर देंगे और नहीं तो पूरा वीडियो देख लेंगे, फिर इसके बाद क्वेश्चन आंसर क्विज में आपको भाग लेना है। चलिए हम यहाँ से वीडियो को स्किप कर देते हैं दोस्तों। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो, देखते हैं क्या होता है, नहीं तो मैं स्किप कर दूंगा और आप भी स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए वीडियो मेरा चल रहा है, यह सब आपको बताएगा कि कैसे कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करना है, कैसे यूजर से कनेक्ट करना है, इंडिया में कितने यूजर्स पर डे रजिस्टर करते हैं, यही सब मतलब कॉमन क्वेश्चन कुछ वीडियो एडिटिंग के बारे में पूछेगा कि धूप में आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो परछाई और छाया को किस तरह से हटाएंगे, और इसके बाद मतलब कि कम्युनिटी से जुड़ने के लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ देखिए वीडियो चल रहा है दोस्तों, आप सब कुछ यहाँ से देख लेंगे। पूरा कंप्लीट कोर्स मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लास्ट में गारंटी देता हूँ। देखिए मैं यहाँ वीडियो स्किप कर दिया हूँ, लास्ट में आपको मतलब डाउनलोड करके भी मैं बताऊंगा कि इंस्टाग्राम का मतलब क्रिएटर सर्टिफिकेट किस तरह से अप्लाई करना है, किस तरह से रजिस्टर करना है, और किस तरह से मैंने आगे तो बता दिया पासवर्ड आईडी यहां तक हम आपको पहुंचा दिए हैं दोस्तों। यहां देखिए वीडियो चल रहा है, वीडियो को आप स्किप कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को अब स्किप कर देते हैं और आप भी वीडियो को स्किप करके क्वेश्चन आंसर दे दीजिएगा दोस्तों, ठीक है। यहां देखिए मैं वीडियो स्किप कर चुका हूं, अब आपका क्वेश्चन आ गया है। यहाँ देखिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, आइए इस मॉड्यूल को पूरा करने के लिए एक मजेदार क्विज करें। अब आपको शुरू करने के लिए बटन दबाएं, स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा दुनिया भर में हर महीने कितने अकाउंट इंस्टाग्राम पर इस्तेमाल किए जाते हैं, 1 करोड़ अकाउंट, 10 करोड़ अकाउंट, 100 करोड़ अकाउंट। 100 करोड़ अकाउंट पर आपको क्लिक कर देना है। देखिए मैं 100 करोड़ अकाउंट पर क्लिक कर दिया हूँ और देन आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे और फिर से आपका दूसरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 2, दिए नीचे दिए गए यूजर में से इंस्टाग्राम किन के लिए है, तो मतलब यहां ऊपर में सबसे नीचे जो है कि ऊपर के सभी लोगों के लिए है। क्रिएटर कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हैं, बिजनेस जो नए दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं, और इसके बाद ऊपर सभी के लिए है, इस पे क्लिक करके बिल्कुल सही उत्तर है, देन नेक्स्ट कर देना है आपको। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, शुक्रिया आपने 2 में से 2 प्रश्नों का उत्तर दिया है, अब आपको क्या करना है, एक्स साइट पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे आप एक्स साइट पर क्लिक करेंगे, एक साइट पर आप क्लिक कर देंगे, एक साइट पर क्लिक करने के बाद आपको फिर से वह रीडायरेक्ट करेगा, आपको फिर से क्या करना है कि यहाँ देखिए बैक कर दिया आपको, रिटर्न टू एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप रिटर्न टू एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर से आपका वही ऑप्शन खुलेगा। यहाँ देखिए रिटर्न टू, मतलब हम आपको समझाने के लिए थोड़ा मतलब वीडियो को रोक रोक के दिखा रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए दोस्तों। रिटर्न टू एक्टिविटी पर जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको क्या करना है, नीचे आकर कर फिर से आपको उसको मतलब क्लिक करना है। यहाँ देखिए रिटर्न टू एक्टिविटी पर क्लिक किए हैं, अब आपको क्या करना है, फिर से आपको गेट स्टार्टेड पर आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, या तो फिर नीचे आकर के एक ऑप्शन आता है। यहाँ देखिए अब थोड़ा सा मैं नीचे करता हूँ, देखिए देखिए क्रिएटर को रिटर्न टू पैथ कर रहा है। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है। यहाँ देखिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आए, यहाँ से आप रिव्यू भी चेक कर सकते हैं। रिव्यू पे करेंगे तो जो अभी आपने काम किया है वही चीज आपको दिखाया जाएगा। यहाँ देखिए लोडिंग कोर्स हो रहा है, लोडिंग कोर्स हो रहा है दोस्तों, आप यहां देख सकते हैं लोडिंग कोर्स हो रहा है। फिर से रिज्यूम आ गया है, फिर से रीस्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। मतलब इसी तरह से आपको क्वेश्चन आंसर का उत्तर देना है वीडियो देख करके दोस्तों, और ज्यादा आपको घबराना नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम थोड़ा सा इसको पोस्ट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ से देखिए कि यह पोस्ट हो गया है, अब वीडियो को स्किप कर देते हैं, फिर से स्टार्ट पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे फिर से आपका क्वेश्चन आंसर शुरू हो जाएगा।
और आपको बिल्कुल पेशेंस के साथ उत्तर देना है। दोस्तों फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, मतलब यहाँ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, यही क्रिया आपको बार बार करना है दोस्तों। और लास्ट में आपका क्या होगा कि जो मतलब कि यहाँ देखिए मैं थोड़ा सा बंद कर देता हूँ, दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि इंस्टाग्राम अकाउंट को हैक से बचाने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना चाहिए। और दूसरा क्वेश्चन आ गया है कि इंस्टाग्राम पर खुद को बाइंग करने के लिए हैशटैग से कैसे बचा, हरासमेंट से कैसे बचा जा सके। तो ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस ठीक है दोस्तों, और यह देखिए गलत होता है कि सही होता है, देखिए किस पे ऊपर दिए गए सभी ऑप्शंस पे ही क्लिक करना है, ऐसे अकाउंट को रिपोर्ट करें ठीक है। अब आपको मतलब कि समझ लेंगे कि कैसे हम इसको उत्तर दें। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए ऊपर दिए गए सभी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है, और देन आपको नेक्स्ट कर देना है नीचे। अब दूसरा तीसरा क्वेश्चन आया है कि नीचे दिए गए टूल्स में से कौन सा टूल्स डाटा रिमाइंडर और यहाँ देखिए कंट्रोल्स प्रोवाइड करते हैं। यहाँ देखिए आपको क्या करना है, स्क्रीन टाइम टूल्स, स्क्रीन टाइम टूल्स पर अभी आप क्लिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन सही ही होगा दोस्तों। चलिए मैं स्क्रीन टाइम टूल्स पे क्लिक करता हूँ, नहीं दोस्तों यहाँ देखिए कमेंट कंट्रोल, देखिए गलत हो गया ना, हम अभी बोल रहे थे कि स्क्रीन टाइम टूल्स पे क्लिक करना है, अब आपको क्या करना है फिर से आपको बैक करके इसको उत्तर देना पड़ेगा दोस्तों। यहाँ देखिए थ्री में से दो क्वेश्चन है, अब आपको क्या करना है रीटेक क्विज पर स्टार्ट कर देना है, फिर से आपको स्टार्ट करना है, फिर से आपको टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है, सबमिट कर देना है, बिल्कुल सही उत्तर है, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो अभी जो आपने क्वेश्चन गलत किया था दोस्तों उसका सही उत्तर देना है, इसमें तो होगा ऊपर के दिए सभी ऑप्शन होंगे, ऊपर के दिए सभी ऑप्शन पर क्लिक करना है, सबमिट करना है, बिल्कुल सही उत्तर है, नेक्स्ट कर देना है दोस्तों। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे फिर से वही क्वेश्चन आ गया है, अब आपको क्या करना है दूसरे नंबर पर क्लिक करना है स्क्रीन टाइम टूल्स पे, अब आपको सबमिट कर देना है, बिल्कुल सही उत्तर है, नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे आपका तीन में से तीन उत्तर मिल गया है, अब आपको एक्स साइट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप एक्स साइट पर क्लिक करेंगे दोस्तों फिर से आपका दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा, ऊपर दिए गए ऑप्शन सभी हैं, इसके बाद इनमें से कौन सा ऑप्शन इंस्टाग्राम में रील्स बनाने के लिए बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, अब आपको क्या करना है बेस्ट उचित हैशटैग जोड़ें, इफेक्टर्स और ट्रेंडिंग गानों का उपयोग करें ठीक है दोस्तों। और इसके बाद इसमें केवल रील्स टैब पर शेयर और फीड पर नहीं, तो यहाँ क्या है इसे मजेदार रिलेटिव रिपोर्टल बना, इसको आप पढ़ लेंगे तो इफेक्टर्स और गानों का उपयोग करें, यह गलत है, दूसरा ही सही है दोस्तों। फिर से इसका क्वेश्चन आंसर आपको करना होगा, तो हम कहेंगे कि थोड़ा सा वीडियो आप स्किप करके देख लेंगे, यही प्रक्रिया है। अब देखिए फिर से आपको क्या करना है, फिर से आपको प्रीवियस एक्टिविटी है, यहाँ प्रीवियस एक्टिविटी है, और नीचे आएंगे दोस्तों तो यहाँ देखिए नेक्स्ट एक्टिविटी है, नेक्स्ट एक्टिविटी पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे फिर से आपका वीडियो खुल जाएगा दोस्तों ठीक है, फिर से आपका वीडियो खुलेगा, वीडियो को देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, और नहीं तो आपको स्किप कर देना है। चलिए हम वीडियो को यहाँ से स्किप कर देते हैं, पहले प्ले हो जाने देते हैं, देखिए यहाँ वीडियो प्ले हो रहा है और हम इसको क्या करेंगे कि स्किप कर देंगे, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप कुछ देख लेंगे दोस्तों तब आप क्वेश्चन आंसर दे सकते हैं। वीडियो मेरा स्किप हो चुका है, अब फिर से क्वेश्चन आ गया है, स्टार्ट पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पर क्लिक करेंगे दोस्तों यहाँ देखिए इंस्टाग्राम स्टोरी इनमें से कौन से ऑप्शन के लिए सबसे उपयुक्त है, नए दर्शकों तक पहुँचाना और नए ट्रेंड में भाग लेना, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के पल पल शेयर करना, तो ये अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को पल पल शेयर करना, इसी पर आपको क्लिक करना है, 100% यही क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। चलिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, अपनी हाँ देखिए दोस्तों इसी पर मैं क्लिक करता हूँ, अब बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, देन आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट करेंगे अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ जाएगा, इसको आपको पढ़ लेना है, इसमें से कौन सा ऑप्शन आपके फैंस आपकी स्टोरी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ट्रेंडिंग म्यूजिक जोड़ना, अपने ट्रेंड्स के कंटेंट को दोबारा शेयर करना, ट्रेंडिंग म्यूजिक जोड़ना दोस्तों यही होना चाहिए, इसी पर आपको क्लिक करना है, ट्रेंडिंग म्यूजिक जोड़ना ऑप्शन फैंस को स्टोरी के साथ इंटरेक्ट करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, ट्रेंडिंग म्यूजिक को जोड़ना दोस्तों 100% यही सही होना चाहिए, ऐसे गलत भी हो सकता है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है। चलिए मैं सॉरी दोस्तों दूसरे नंबर पर क्लिक करता हूँ, यहाँ देखिए गलत हो गया दोस्तों, ये पहला सही है,
फिर से आपको बैक करना है, वीडियो को आप हल्का सा स्किप कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, यदि आपको आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो जब आप अप्लाई करेंगे तो सारे क्वेश्चन को आपको मालूम रहेगा। क्या आप अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी को सॉन्ग डाल सकते हैं जो म्यूजिक लाइब्रेरी में ना हो, यदि आपने उस म्यूजिक का उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त किया हो। यदि म्यूजिक लाइब्रेरी में जो गाना नहीं है उसको आप तब डालेंगे जब आप उसके कंटेंट ओनर से मतलब अनुमति लिए रहेंगे। यहाँ देखिए गलत होगा दोस्तों, यहाँ देखिए बिल्कुल गलत हो गया। सही उत्तर है यदि आपने उस म्यूजिक का उपयुक्त लाइसेंस प्राप्त किया है। यहाँ से भी आप वीडियो को स्किप कर लेंगे दोस्तों। अब आपको तीन में से एक है, आपको क्या करना है, रीटेक क्यूज पर आपको क्लिक करना है, फिर से इसी का उत्तर देना है, स्टार्ट पे करना है क्लिक। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करेंगे दोस्तों फिर से ही इंटरफेस खुलेगा। आपको क्या करना है कि अपनी रोजमर्रा की पल पल जिंदगी में शेयर करना, सही उत्तर है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट जैसे आप करेंगे यहाँ से क्विज और क्वेश्चन स्टिकर्स में भाग लेना, ठीक है, सबमिट कर देना है, बिल्कुल सही उत्तर है, नेक्स्ट कर देना है। ये दो क्वेश्चन हो गया है और इसमें तीसरा पर क्लिक करना है, तीसरा पर क्लिक करके सबमिट करना है, देन नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आप तीन में से तीन उत्तर सही दिए हैं, देन एक्साइट कर देना है। यहाँ देखिए क्रिएटर कोर्स आपका कंप्लीट हो गया है दोस्तों, और इस तरह से आपका क्रिएटर कोर्स कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा मतलब कि एक प्रिंटर का ऑप्शन आएगा, प्रिंटर के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से आपका मतलब कि सेव करने के लिए खुल जाएगा। सेव पर क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि आप कौन सा फोल्डर में इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो एनीबॉडी कोई भी आप फोल्डर में कर लेंगे। हम कार्डबोर्ड पे क्लिक किए हैं, कार बोर्ड पर आप हम क्लिक किए हैं, आप किसी फोल्डर में डाउनलोड कर सकते हैं, उस पर क्लिक करके डन कर देना है। जैसे आप डन करेंगे यह देखिए सेव हो जाएगा वहां दोस्तों, यह देखिए सेव हो चुका है। और आप भी मतलब इसी तरह से अपना अप्लाई करके डाउनलोड कर सकते हैं और मतलब कि नए नए फीचर्स नए नए ट्रेंड्स का आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ देखिए मैं फाइल खोला हूँ, क्रिएटर कोर्स पे क्लिक करता हूँ, देन ड्राइव पीडीएफ पर क्लिक करना है और यहाँ देखिए यह आपका मतलब कि जो सर्टिफिकेट है डाउनलोड हो गया है। इसे आप लेमिनेशन करा के, और एक चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी दुकानदार के पास जाइएगा जो प्रिंटर पीसी रखे हैं ग्लोसी पेपर पे, आप इसे प्रिंट आउट